हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी। माय नेम इज मोहम्मद शहीद पठान, और जैसा कि हमारा रिचुअल है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। माय नेम इज मोहम्मद शहीद पठान एंड आई एम हैविंग 8+ ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। आई मेंटर मोर देन 60,000 स्टूडेंट अक्रॉस इंडिया, क्वालिफाई ईयर 2013 एंड आर ईयर 2014 रिटर्न एग्जाम। Qualify gate exam server time and work as a freelancer faculty in many reputed institutes across India. Okay, this is my small introduction. On Academy Learning, अगर आप लोग download कर रहे हो तो देखिए, you will get a very important feature, जैसे कि आपको मिलेगा daily live classes. Good evening निखिल, good evening. आपको मिलेगा daily live classes, आपको मिलता है live test और quiz मिलते हैं यहाँ पर। तो daily live classes में अभी हमारी जो live classes चल रही है वो है आपका जो MCQ है gate 2021 में, नया सिलेबस में कुछ चेंजेस हुए हैं, उसका एमसीक्यू हम कंप्लीट करा रहे हैं। 100 क्वेश्चन का एक सीरीज है, ठीक है, ये हम लोग वहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं एमसीक्यू मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। ये अभी गेट 2021 में नए चेंजेस हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और क्लास का टाइम 5 to 6 रहता है, वहाँ पर आके आप डेली लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मिलता है लाइव टेस्ट और कुछ। तो लाइव टेस्ट में आप अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हो और उसको इनहांस भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्यूज। आप अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो। उसके बाद अनअकैडमी लर्निंग ऐप, हम लोग आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्रोवाइड कराते हैं, दैट मीन्स वी विल कवर ईच एंड एवरी पोर्शन ऑफ द सिलेबस। ओके, यूट्यूब लेक्चर्स की तरह नहीं होता कि कुछ पोर्शन गायब कर दिया वगैरह। तो और अगर आपने एक बार अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लिया तो यू विल गेट अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ ऑल द लाइव क्लासेस, ऑल द रिकॉर्डेड क्लासेस, और आप इन क्लासेस को कभी भी किसी समय कैसे भी आप इनको अवेल कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। So this is some benefit when you download the Unacademy Learning app. साथ साथ आप आता है on the Unacademy, we have a largest educated team, as you all know. According to your learning curve, according to your learning preference, you can follow any of the educator. आप चाहें जिस भी educator को follow कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हर बच्चे का अपना learning curve अलग होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास बहुत सारे एजुकेटर की टीम अवेलेबल हैं, तो आप जिन एजुकेटर से आपको पसंद है पढ़ना, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। अगर हम बात करें क्लासेस कोर्सेज की, तो ऑन अनअकैडमी वी हैव अ लॉट ऑफ कोर्सेज इन एवरी ब्रांच, यू कैन सी दैट। अगर हम सब्सक्रिप्शन चार्जेस की बात करते हैं तो देखिए, अनअकैडमी पे अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन दे रहे हो तो आपको पड़ेगा 30,250, बट ये अमाउंट एक्चुअली आपको देखना नहीं है, क्योंकि ये सब सब्सक्रिप्शन जो है EMI ऑप्शन पर अवेलेबल है। तो आप इसको EMI पर जो पड़ेगा वो पड़ेगा 2,521, क्योंकि सारी जो कोर्सेज हैं वो सब EMI पर अवेलेबल हैं। और जो आपका EMI है ये नो कॉस्ट EMI है, इसका मतलब आपको कोई एडिशनल चार्ज यहाँ पर पे नहीं करना पड़ेगा। और ये जो प्राइस है ये सब इंक्लूडिंग ऑल द टैक्स है, आपको एडिशनल प्राइस यहाँ पर पे नहीं करना पड़ता। उसके साथ अगर आप मेरा कोड अप्लाई करते हैं पठान, यहाँ पर आपको 2 बेनिफिट मिलेंगे। अगर आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, नए हैं, तो आप जो अनअकैडमी ऐप का फ्री प्लान है जिसमें फ्री लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, क्यूजेस हैं, वो सब अवेल कर सकते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ दिस कोड। तो वो कोर्स तभी खुलेंगे जब आप इस कोड को लगाएंगे। ये यूनिवर्सल कोर्स है, कोई भी आपको सिलेबस या कोर्स देखना हो अनअकैडमी ऐप पर, आप इस कोड को लगा सकते हो, ठीक है। पठान आप अप्लाई कर लेना, याद रखिए पठान। उसके साथ अगर आप अनअकैडमी ऐप पर मेरा कोड अप्लाई कर रहे हो तो कोई भी कोर्स आप लीजिए, उस पर आपको 10% स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट का, किसी भी क्लास का, किसी भी ब्रांच का, कोई भी सब्जेक्ट का आप कोर्स लीजिए, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो किसी को भी अगर लेना हो तो वो ले सकता है। ऑन अनअकैडमी वी हैव अ न्यू काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन नोन एज आइकोनिक सब्सक्रिप्शन। तो आइकोनिक सब्सक्रिप्शन में हम उन स्टूडेंट्स के लिए लेके आए हैं जो लोग लंबे समय तक प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अपने सिलेक्शन को बिल्कुल श्योर करना चाहते हैं। जब आइकोनिक सब्सक्रिप्शन को प्लान किया गया तो कुछ बातों को ध्यान में रखा गया है जो कि बच्चे प्रिपरेशन के दौरान लैक करते हैं। जैसे कि कई बच्चों को गाइडेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनको प्रिपरेशन के आ तो जाते हैं लेकिन ये समझ में नहीं आता कि कैसे करें, किस लेक्चर को फॉलो करें, किस तरह से इन चीज़ों को फॉलो करें। उसके लिए हम लोग उसको पर्सनल कोच का एक फीचर प्रोवाइड करते हैं, तो अपने पर्सनल कोच से सजेशन लेके वो कोर्स को फॉलो कर सकता है, अपनी प्रिपरेशन को इन्हांस कर सकता है, अपनी स्ट्रेटजी प्रिपेयर कर सकता है। इसके साथ साथ हम लोग जब आप आइकोनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यू विल गेट अ पर्सनल टेस्ट एनालिसिस। तो इन द पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस यू कैन एनालिसिस योर परफॉर्मेंस ऑन अ टाइमली बेसिस फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड आप ये पता कर सकते हो कि कौन से सेक्शन आपके वीक है, कौन से सेक्शन आपके स्ट्रॉन्ग है।
उसके साथ साथ आपको मिलता है स्टडी प्लानर। स्टडी प्लान में यू कैन स्टडी योर यू कैन प्लान योर स्टडी होल डे। आप ये ट्रैक कर सकते हो कितने घंटे आपने किस में स्पेंड किया, अब आपको कितने स्पेंड करने। उसके साथ मिलता है आपको स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल को आप घर में बैठ कर प्रैक्टिस कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर आपका, ठीक है, तो चार्जेस की अगर आप बात करें तो विदाउट डिस्काउंट जो चार्जेस हैं वो है 50,250। बट अगर आप कोड अप्लाई कर रहे हो पठान तो ये चार्जेस आपके 10% रिड्यूस हो जाएंगे और चार्जेस होगा 12 मंथ का 45,000 रुपीज़, और 24 मंथ का होगा आपका 66,000 रुपीज़। ये सब चार्जेस ईएमआई पर हैं, तो आप देखिएगा यहाँ पर कि 12 मंथ का ईएमआई पड़ेगा 3,769 और 24 मंथ का ईएमआई पड़ेगा 2,002,2755। ठीक है, तो यहाँ पर ये चार्जेस की हमने बात कर ली। ओके चलिए, अब जितने भी हमारे साथ चैट में अवेलेबल हैं, निखिल वगैरह जितने भी हैं, रिकेश वेर आर यू, सब लोग फटाफट आ जाइए, फटाफट आ जाइए, क्लास ज्वाइन कर लीजिए। ओके ओके, सब लोग क्लास जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलो ओके। हेलो, गुड इवनिंग मुकुंद, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो नाउ लेट्स स्टार्ट टुडे क्लासेस, आज हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, कौन कौन है मेरे साथ आज क्लास में वो सब मेरे को हाई हेलो कर दीजिए। तो वील स्टार्ट द क्लास नाउ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? लास्ट क्लास में हमने, ठीक है, प्लेन सरफेस पर हाइड्रोस्टेटिक फोर्सेस की बात की थी और हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे व्हेन वी टॉक अबाउट द हाइड्रोस्टेटिक फोर्स ऑन प्लेन सरफेस। तो ये सारे टॉपिक हम ऑलरेडी पहले क्लासेस में कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने लेक्चर नहीं देखे हैं और मेरी क्लासेस रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो मेरे प्रीवियस लेक्चर जाके देख सकते हैं, वहाँ पर हम सब टॉपिक को बहुत सिक्वेंशियल मैनर में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड टुडे टॉपिक। ये सब हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था क्यों हाइड्रोस्टेटिक फोर्स इंपॉर्टेंट है, अलग अलग तरह की ज्योमेट्री पे हमने हाइड्रोस्टेटिक फोर्स को निकाला था। तो दिस इज ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आज हम लोग जो शुरुआत करेंगे दिन की वो एक क्वेश्चन के साथ करेंगे और क्वेश्चन का आंसर मैं चाहूंगा कि आप लोग दीजिए। ठीक है निखिल, ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग लिखने जा रहे हैं, आप लिख लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे क्योंकि इस सेक्शन में जो क्वेश्चन के बिना कोई मतलब नहीं है। आपने फॉर्मूला पढ़ लिया, कंसेप्ट आपको आ गया, ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर हम लोग और चीजों पर ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन आपको लिखना है ए वर्टिकल गेट, ये मेरे साथ आपको क्वेश्चन बुक में लिखना है और सॉल्व भी करना है। ए वर्टिकल गेट 2.5 मीटर, आप नोट्स लेके बैठिए, कैलकुलेटर लेके बैठिए, आपको एक क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करने हैं। ठीक है, कैलकुलेटर के साथ, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, आपको टाइप क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ जिससे कि आपको टाइम मिल जाए लिखने का। तो अ वर्टिकल गेट 2.5 मीटर वाइड इज हेल्ड इन पोजिशन ड्यू टू हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन वन साइड एंड एसोसिएटेड, मेरे साथ ये क्वेश्चन आपको लिखना है, एसोसिएटेड फ्रिक्शन एज शोन इन फिगर, एसोसिएटेड फ्रिक्शन एज शोन इन फिगर। ठीक है, व्हेन द वाटर लेवल लेवल ड्रॉप्स डाउन फ्रॉम 2 मीटर, ठीक है, अबाउ द बॉटम ऑफ द गेट, ठीक है, द गेट जस्ट स्टार्ट्स स्लाइडिंग डाउन, देन फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन गेट एंड
सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। तो ये आपको पता करना है, गेट एंड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। तो मैं इसका डायग्राम आपको कुछ बना देता हूँ, यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ डायग्राम भी। कुल मिला के डायग्राम कुछ ऐसा है, यहाँ पर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, और एक आपका गेट जो है यहाँ पर लगा हुआ है। वर्टिकल गेट आपका लगा हुआ है, ये कुछ कहानी है। अब देखिए यहां पर क्या होगा कि एक साइड आपका फ्लूड भरा हुआ है, तो यहां पर एक साइड आपका फ्लूड भरा हुआ है, उस फ्लूड को इस गेट ने रोक रखा है। ठीक है, अब ये जो गेट का वेट है वो आपको दे रखा है 500 किलोग्राम। गेट का वेट है 500 किलोग्राम, इधर की तरफ आपका फ्लूड भरा हुआ है और जो गेट है वो इन दो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर पे ऐसे रुका हुआ है। अब इसका मतलब साफ है कि ये जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है वो इसको एक फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे होंगे और इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही गेट नीचे की तरफ स्लाइड नहीं कर रहा। अदरवाइज क्या होता, अदरवाइज गेट नीचे की तरफ स्लाइड कर देता। तो ये 2 मीटर है आपका हाइट दे रखा उसने बॉटम इस से, गेट का क्या लेंथ है हमें नहीं पता, ठीक है। तो आपको ये पूछ रहा है कि ये जो अगर कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन सेम है यहाँ पर, अगर यहाँ पर कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज म्यू सेम है, तो आपको ये म्यू की वैल्यू वो पूछ रहा है। अब आप सब जानते हो कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स होता है। अब यहाँ पर नॉर्मल फोर्स क्यों आएगा, क्योंकि ये जो फ्लूड है यहां पर इस गेट पर एक सेंटर ऑफ प्रेशर पर एक नेट फोर्स लगाएगा एंड दैट नेट फोर्स विल बी योर हाइड्रोस्टेटिक फोर्स। ये नेट फोर्स लगाएगा, उस नेट फोर्स की वजह से यहां जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है उनमें रिएक्शन जनरेट होगा, एक रिएक्शन यहां होगा एक रिएक्शन यहां होगा। ये वैसा ही है जैसे कि मान लीजिए कोई बुक है और बुक को मुझे किताब को मुझे वर्टिकल जो वॉल है हमारे घर की जो वॉल है उस पर चिपकाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस पर धक्का देना पड़ेगा ना, प्रेशर देना पड़ेगा। अगर मैं हाथ नहीं लगाऊंगा तो बुक सरक के नीचे आ जाएगी। अब मैं जब उस पर हाथ लगा के उसको धक्का दे रहा हूं तो बुक नहीं नीचे आ रही। क्यों नीचे नहीं आ रही, क्योंकि जब आपने उस पर फोर्स लगाया तो फोर्स लगाने से क्या जनरेट हुआ, रिएक्शन, और उस रिएक्शन की वजह से बुक और जो दीवार है उसके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हुआ और वो फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली बुक के वेट को बैलेंस करता है। तो यहां पर भी ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इसको बैलेंस करेगा, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इसको बैलेंस करने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड, आपसे पूछा है कि अगर म्यू जो है दोनों वॉल की जो कांटेक्ट है उसके लिए कांस्टेंट वैल्यू है तो आपको बताना है व्हाट विल बी योर म्यू, ठीक है। इसका ये हाइट 2 मीटर दे रखा है वाटर लेवल, ठीक है, फ्री सरफेस ये है। गेट का आपको वाइड गेट का विड्थ वगैरह दे रखा है, देखो अब वर्टिकल गेट वेट का विड्थ दे रखा है आपका 2.5। इसका मतलब जो गेट है आपका उसको अगर रेक्टेंगल गेट है तो उसका विड्थ है आपका 2.5, तो ये आपका 2.5 मीटर वाइड दे रखा है। मैंने सामने से दिखाया उसको, इज हेल्ड इन पोजीशन ड्यू टू हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन वन साइड एंड एसोसिएटेड फ्रिक्शन एज शोन इन फिगर, जो मैं बता रहा हूं आपको। व्हेन द वाटर लेवल ड्रॉप्स डाउन, वाटर का लेवल अगर नीचे आ जाएगा टू 2 मीटर, अब 2 मीटर हो गया अबाउ द बॉटम ऑफ द गेट, बॉटम से 2 मीटर, द गेट जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन, गेट नीचे आना स्टार्ट कर देता है, जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन, और जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन का मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। देन फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन गेट एंड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो मुकुंद निखिल आर यू देयर, मुकुंद निखिल आर यू देयर, रिकेश आर यू देयर, तो जो स्टूडेंट है यस और नो कहिए, ओके। तो देन आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन 0.01, नो बेटा 0.01 है, 0.1 आएगा, 0.1 आएगा, 0.1 आएगा, दिस इज द आंसर, 0.1 आएगा।
Rikesh, are you there? Mukund, are you there? तो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द फ्री बॉडी डायग्राम। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखिए, हम लोग पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम समझ लेते हैं। देखिए, कहानी यह है कि आपका जो गेट है उसका वेट है, हमारे पास कितना है वेट, वेट है 500 किलोग्राम। अब वेट की वजह से नीचे की तरफ फोर्स आएगा, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। नीचे की तरफ क्या आएगा, फोर्स आएगा। वेट नीचे लग रहा है, वेट क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है। अब ये वेट इस गेट को नीचे ले जाना चाहेगा, लेकिन अगर ये गेट नीचे नहीं जा रहा, इसका मतलब कुछ तो ऊपर की तरफ फोर्स आ रहा होगा, और वो कुछ नहीं होता, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। एक तो ये कहानी है। दूसरी बात ये है, ये एक डायग्राम है। तो अगर ये गेट इक्विलिब्रियम है, तो फॉर इक्विलिब्रियम दिस एफ प्लस दिस एफ, ये दोनों फ्रिक्शन किसके बराबर होंगे, वेट के बराबर होंगे। अब जो गेट का वेट है दैट इज 500, वेट को अगर हमें ये किलोग्राम है तो वेट को जी से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा किलोग्राम को, और ये हो जाएगा 2F। और F क्या होता है हमारे पास, F होता है म्यू इंटू एन, तो ये हो जाएगा 500 G, या म्यू इंटू आर लिख दो, आर मतलब रिएक्शन, दैट इज आर। एक तो ये बात है। अब दूसरी बात एक और है कि अगर ये हम मान लें कि रिएक्शन दोनों में अलग अलग जनरेट हो रही है, तो रिएक्शन जब अलग अलग जनरेट हो रही है, सपोज हम ये मान लें कि इस वाले वॉल से रिएक्शन आर वन है, और इस वाली वॉल के साथ जो रिएक्शन जनरेट हो रही है दैट इज आर टू। ये आपका आर वन है, दिस इज आर टू। तो देखिए, यहाँ पर एफ वन और एफ टू क्या हो जाएगा फिर, अगर इसको एफ वन माने, इसको एफ टू माने, एफ वन हो जाएगा तुम्हारा म्यू आर वन, और एफ टू हो जाएगा आपका म्यू आर टू, और ये किसके बराबर होगा, तुम्हारा डब्लू के बराबर होगा। तो इसने म्यू को बोला है कॉन्स्टेंट है, तो ये आर वन प्लस आर टू हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू डब्लू। तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर डब्लू अपॉन आर वन प्लस आर टू, दैट इज द म्यू की वैल्यू। अगर मुझे आर वन प्लस आर टू पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो आर वन प्लस आर टू पता करने के लिए बहुत साफ है, इस प्लेट पर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा होगा, एफ नेट। तो अगर यहां पर देखें तो जो एफ नेट होगा, दिस एफ नेट इज नथिंग बट मस्ट बी इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर बैलेंस है तो ये रिएक्शन फोर्स किसकी वजह से जनरेट हो रहा है, इस एफ नेट की। तो ये जो रिएक्शन फोर्स यहां पर वॉल में जनरेट हो रहे हैं, इनका समेशन किसके बराबर होगा, एफ नेट के। और एफ नेट क्या होता है, एफ नेट होता है डब्ल्यू ए एक्स बार। तो बेसिकली आर वन प्लस आर टू इज नथिंग बट डब्ल्यू ए एक्स बार। अब इस वैल्यू को उठा के यहां रख दीजिए, तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू वेट ऑफ दिस ब्लॉक अपनो स्मॉल डब्ल्यू ए एक्स बार। अब ये जो डब्ल्यू है कैपिटल, दैट इज 500 इंटू जी। अब स्मॉल डब्ल्यू क्या होगा, आपका फ्लूड की डेंसिटी जी, और इस प्लेट का एरिया। तो इस प्लेट का एरिया हम वहीं तक लेंगे जहां तक फ्लूड भरा हुआ है। तो प्लेट की विड्थ 2.5 मीटर है और टू आपका फ्लूड भरा हुआ। अब एक्स बार क्या होगा, जहां तक फ्लूड भरा है वहीं तक प्लेट माने, और उसका सेंट्रोइड। तो प्लेट जहां तक फ्लूड भरा है आपको प्लेट वहीं तक लेनी है, तो ये 2 मीटर आपको लेना है केवल। इसका जो एक्स बार होगा वो कहां पर आएगा, फ्री सरफेस से वो आएगा आपका 1 मीटर पे। एक्स बार यहां पर 1 मीटर हो गया। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो माय डियर फ्रेंड ये क्या हो रहा है आपका, म्यू इक्वल टू हो रहा है 500 जी अपॉन वाटर की डेंसिटी इंटू जी इक्वल टू एरिया 2.5 इंटू टू इंटू आपका एक्स बार इज 1। तो देखिए, जी से जी आएगा, ये आपका 500 बाई कितना बन जाएगा 5000, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, ये कितना आएगा 0.1। तो म्यू यहां पर आ रहा है आपका 0.1। इस तरह के क्वेश्चन को आपको अगर सॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। और अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लें तो क्वेश्चन में आप कुछ नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं मिलेगा।
बात समझ में आ गई यहां तक? यस और नो जो जो चैट में बात समझ में आ रही है, यस और नो? तो देखिए, अगर आपने यहां पर इसको इस तरह से निकाल लिया, फ्री बॉडी डायग्राम बना के यहां पर निकाल सकते हैं। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इसको बोलते हैं हम टिपिंग ऑफ द गेट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बच्चे मिस कर देते हैं इसको, बोलते हैं टिपिंग ऑफ द गेट, गेट और ऑटोमेटिक गेट ओपनिंग। इसको कहते हैं ऑटोमेटिक गेट ओपनिंग, गेट ओपनिंग, गेट ओपनिंग। तो दिस इज नोन एज ऑटोमेटिक गेट ओपनिंग। तो माय डियर फ्रेंड, अगर हम लोग यहां पर कहानी की बात कर रहे हैं, टिपिंग ऑफ द गेट और ऑटोमेटिक गेट ओपनिंग, क्या होता है? देखिए, जो डैम के गेट होते हैं, जो डैम में गेट लगे होते हैं ना, ठीक है, उनको जब डैम में बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, जब डैम का लेवल बहुत ऊपर राइज हो जाता है, तो उनको खोलना होता है। अब जब डैम के गेट होते हैं, वो मैनुअली ही ओपन हो सकते हैं, वहां पर कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं होता, ऑटोमेटिकली कोई सेंसर लगा दिया, ओपन कर दिया, ऐसा कोई सिस्टम बनाया नहीं जाता। उसका मेन रीजन ये होता है कि पानी के अंदर अगर आप तो जनरली सेंसर लगाओगे तो इतना रिलायबली काम नहीं करेंगे, सेंसर खराब हो सकते हैं। और अगर गेट टाइम पर नहीं खुला, डैम के गेट टाइम पर नहीं खुले, तो डैम टूट सकता है, क्योंकि डैम पर जो आने वाले फोर्सेज है बहुत हाई अमाउंट में आते हैं, तो डैम यहां पर क्या हो सकता है? टूट सकता है, क्योंकि डैम पर जो फोर्सेस आते हैं वो बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ फोर्सेस होते हैं। तो अगर सही टाइम पर आपने गेट को नहीं खोला तो डैम क्या हो सकता है? टूट सकता है। माय डियर फ्रेंड, तो क्या होता है कि डैम टूटे ना, इसके लिए आपको सही टाइम पर गेट खोलना होता है। ओके, अब अगर सही टाइम पर आपको गेट खोलना है, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि जो बाढ़ वगैरह की समस्या आ रही है वहां पर, तो जो डैम खोलने वाला ऑपरेटर है वो वहां पर पहुंच ही ना पाए। भाई बाढ़ आ गई, कुछ ऐसा हो गया कि जो डैम खोलने वाला ऑपरेटर है, जिसका काम है डैम खोलने का, वो ना पहुंच पाए। और अगर डैम खोलने वाला ऑपरेटर वहां पर ना नहीं पहुंच पाया, तो क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि डैम के गेट खुले ना और डैम टूटने की संभावनाएं बन जाए। और अगर डैम टूट गया तो कितने लाखों लोग मरेंगे, ठीक है, लाखों लोग मरेंगे, कई गांव के गांव सबमर्ज हो जाएंगे। बाढ़ जो छोटी मोटी आ रही हो तो ठीक है, अब और ज्यादा आ जाएगी। तो होता क्या है कि हम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं लगा सकते, इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे रिलाई नहीं हो सकते, और जो आदमी का काम था गेट को खोलना वो भी नहीं आया, तो फिर हम गेट को खोलेंगे कैसे? अगर सपोज हमारे हमारे रिजर्वायर में, हमारे डैम में पानी बहुत ज़्यादा चढ़ा गया, तो हम गेट को खोलेंगे कैसे? तो उस गेट को हम खोलने के लिए एक मैकेनिकल सिस्टम बनाते हैं, एक मैकेनिकल कंसेप्ट को हम समझेंगे। यहाँ पर हम गेट को अपने आप खोलेंगे, अपने आप बंद करेंगे, और किसी ऑपरेटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और किसी सेंसर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड दैट इज हाउ ब्यूटी ऑफ दिस ऑटोमेटिक गेट ओपनिंग। तो जब इस पे क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चे इस कंसेप्ट को कई बार नहीं समझ पाते। माय डियर फ्रेंड, एक चीज आप याद रखना कि मैं फ्लूइड मैकेनिक्स के एक एडवांस लेवल की क्वेश्चन की एक सीरीज और निकालूंगा, लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को जो मैं करा रहा हूं अभी तक, इनको ढंग से समझ लो, प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। डोंट वरी फॉर दैट, तब आपको मैं और चीज़ें बहुत गहराई में जाके और कंसेप्ट को, क्वेश्चन का टफनेस लेवल वहां पर बढ़ा दूंगा। तो आप देखना कि बिना किसी ऑपरेटर के, बिना किसी सेंसर के, हम केवल फ्लूइड मैकेनिक्स के कंसेप्ट से कैसे गेट ओपन करेंगे और कैसे बंद करेंगे। अब होता क्या है कि हम यहाँ पर एक हिंज पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पर हम बीच में सेंटर में कहीं हिंज पॉइंट लगा रहे हैं। अब आपने अगर सेंटर में कोई हिंज पॉइंट लगाया, तो इसका मतलब साफ है कि ये जो तुम्हारा गेट है वो सेंटर से ऐसे रोटेट हो सकता है, ऐसे ऐसे रोटेट हो सकता है, इस तरह से रोटेट हो सकता है सेंटर से। आपने बीच में हिंज लगाया, अब इस हिंज के अबाउट आपका जो गेट है वो इस तरह से रोटेट हो सकता है, ऊपर और नीचे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो इस हिंज के अबाउट ये जो आपका गेट है वो इस तरह से रोटेट हो सकता है, क्लॉकवाइज भी रोटेट हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट हो सकता है। देखिएगा, मैं बिना किसी सेंसर के, बिना किसी ह्यूमन ऑपरेटर के कैसे गेट को खोल रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोमेटिक गेट ओपनिंग एंड टिपिंग। तो देखिएगा कि ये जो गेट है वो ऐसे भी रोटेट हो सकता है, ऐसे भी रोटेट हो सकता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी होता है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन बना देता हूँ,
कंस्ट्रक्शन मतलब कोई दीवार होगी यहां पर और डैम के अंदर कोई छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन आपने बना दिया, रिस्ट्रिक्शन आपने बना दिया। अब जब आपने इसको रिस्ट्रिक्शन को बना दिया तो सोचिए अब गेट ऐसे रोटेट नहीं हो सकता क्योंकि ये इसको रोटेट नहीं होने देगा। तो केवल गेट का रोटेशन जो यहां पर हो सकता है वो केवल एक ही डायरेक्शन में हो सकता है। तो अगर यहां पर गेट का रोटेशन की बात करें तो गेट का रोटेशन केवल यहां पर एक ही डायरेक्शन में हो सकता है और वो डायरेक्शन है कि गेट ऐसे, ठीक है, वो डायरेक्शन है कि गेट ऐसे रोटेट होके खुले। तो दिस इज विल बी योर डायरेक्शन। तो गेट जब ऐसे रोटेट होगा इस वाली डायरेक्शन में तभी गेट खुल सकता है, तभी आपका ये वाली पोजीशन आएगी। ऐसे ही गेट खुल सकता है, अंडरस्टैंड, इस पोजीशन में आपका गेट खुल सकता है। अब देखिए होता क्या है कि यहां पर वाटर का लेवल अभी कम है, ये डैम के ऊपर लगाया जाता है तो पानी का लेवल अभी कम है, पानी जो है अभी डैम में कम भरा हुआ है। पानी अगर कम भरा होगा तो फ्लूड के द्वारा जो लगने वाला टोटल फोर्स है, दैट इज नोन एज हाइड्रोस्टेटिक फोर्स, वो कहां पर लगता है, तुम्हारा सेंटर ऑफ प्रेशर पे। ओके, अभी पानी का लेवल क्या है, कम है, तो सेंटर ऑफ प्रेशर कहीं नीचे होगा और इस पर लगेगा टोटल नेट फोर्स जो कि वाटर लगा रहा है। अब ये जो टोटल नेट फोर्स है वो वाटर को, ये गेट को कैसे रोटेट करने की कोशिश करेगा, ऐसे करने की कोशिश करेगा ब्लू वाइट डायरेक्शन में, दैट इज इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर ये एफ नेट फोर्स नीचे लग रहा है तो ये आपके गेट को क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा। बट चूंकि आपने यहां पर कोई कंस्ट्रक्शन बना दिया तो गेट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा ही नहीं, क्योंकि आपने यहां पर दीवार बना रखी है तो गेट ऐसे रोटेट नहीं हो सकता। तो गेट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट नहीं हो सकता, ऐसे रोटेट नहीं हो सकता क्योंकि वहां पर आपने एक दीवार बना दी। अब क्या हुआ कि आपका डैम में पानी का लेवल बढ़ना स्टार्ट हुआ, बारिश ज्यादा हो रही है, पानी का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो रहा है। तो पानी का लेवल बढ़ रहा है, 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 और बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ता जाएगा, आप सब जानते हो अगर ये फ्लैट प्लेट होती तो सेंटर ऑफ प्रेशर की जो बॉटम से डिस्टेंस होती वो एच बाई थ्री होती और टॉप से डिस्टेंस 2h/3 होती। तो जैसे जैसे एच बढ़ेगा, पानी का लेवल बढ़ेगा, तो ये जो सेंटर ऑफ प्रेशर है ये ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट होगा, जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट होगा। तो जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ेगा इस डैम में, वैसे वैसे सेंटर ऑफ प्रेशर ऊपर आता चला जाएगा। ठीक है, तो मैं इस डायग्राम को और आपको इधर से दिखा रहा हूं जिससे कि चीजें क्लियर हो जाए। तो जैसे पानी का लेवल बढ़ता जाएगा, आपका जो सेंटर ऑफ प्रेशर है अब वो ऊपर लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ रहा है तो सेंटर ऑफ प्रेशर आपका ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ओके, सो अब एक कंडीशन ऐसी आ सकती है कि डैम में पानी का लेवल इतना बढ़ गया कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर है, सेंटर ऑफ प्रेशर है, अब उस हिंज पॉइंट को कॉन्साइड कर रहा है, उस हिंज पॉइंट को, इस हिंज पॉइंट को वो कॉन्साइड कर रहा है, इस हिंज पॉइंट को कॉन्साइड कर रहा है। इसके थोड़ी देर बाद पानी का लेवल और बढ़ा, और बढ़ गया, थोड़ा सा और पानी का लेवल बढ़ गया। जैसे ही थोड़ा सा और पानी का लेवल बढ़ गया, अब आपका जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो कहां पर आ गया, इस पॉइंट पर आ गया। तो अब आपका जो एफ नेट फोर्स है वो यहां लगना स्टार्ट हुआ। अब जैसे एफ नेट फोर्स यहां पर लगना स्टार्ट हुआ तो अब ये आपके गेट को कैसे रोटेट करेगा, इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अब इस डायरेक्शन में अगर ये गेट को रोटेट करता है तो इस डायरेक्शन में तो गेट रोटेट हो सकता है आराम से, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इस डायरेक्शन में गेट को रोटेट करना, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गेट आराम से रोटेट हो सकता है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू रोटेट द गेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जैसे ही एफ नेट फोर्स या सेंटर ऑफ प्रेशर इस हिंज पॉइंट से ऊपर आया तो क्या होगा, गेट में एक क्लॉकवाइज रोटेशन जनरेट होगा और उस क्लॉकवाइज रोटेशन की वजह से गेट इजिली इस हिंज पॉइंट के अबाउट रोटेट हो जाएगा। और जैसे ही गेट रोटेट हुआ तो जो आपका पानी भरा हुआ था यहां पर एक्सिस, वो यहां से निकलना स्टार्ट हो जाएगा नीचे से। और जैसे जैसे गेट पानी निकलता जाएगा वैसे वैसे ये जो अब सेंटर ऑफ प्रेशर है, जैसे जैसे पानी निकलेगा तो अब होगा क्या, जैसे जैसे पानी इसके अंदर निकलना स्टार्ट होगा, तो ये गेट की पोजिशन मैंने आपकी बनाई, तो जैसे जैसे पानी इसमें निकलना स्टार्ट होगा,
ठीक है, तो जैसे जैसे पानी यहां से निकल रहा है, अब आपका गेट वापस से बंद होना स्टार्ट होगा, क्योंकि जैसे जैसे पानी निकलेगा तो पहले आपका सेंटर ऑफ प्रेशर अगर यहां पर आ गया आपका और एफ नेट फोर्स यहां पर लग रहा है, तो इट विल जनरेट अ मूवमेंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड ट्राई टू रोटेट द गेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड बिकॉज ऑफ दैट यहां से फ्लूड जो है बाहर निकलता जाएगा, और जैसे जैसे फ्लूड बाहर निकलेगा तो पानी का लेवल नीचे आएगा, और जब पानी का लेवल नीचे आएगा तो फिर सेंटर ऑफ प्रेशर नीचे आने लगेगा, फिर सेंटर ऑफ प्रेशर नीचे आने लगेगा, फिर सेंटर ऑफ प्रेशर नीचे आने लगेगा, और जैसे ही सेंटर ऑफ प्रेशर इस हिंज पॉइंट से नीचे आया, अब एफ नेट फोर्स कहां लग रहा होगा, इस पॉइंट पर, और जैसे ही एफ नेट फोर्स यहां पर लगेगा इस हिंज पॉइंट से नीचे, वैसे ही ये एफ नेट फोर्स इस गेट में एक एंटी क्लॉकवाइज कपल जनरेट करेगा और वापस से इस गेट को बंद कर देगा। तो जैसे ही सेंटर ऑफ प्रेशर इस हिंज पॉइंट से नीचे आ जाएगा, जैसे ही सेंटर ऑफ प्रेशर इस हिंज पॉइंट से नीचे आ जाएगा, आपका गेट वापस से बंद हो जाएगा, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, जो मोमेंट लग रहा है, वो अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा और इस गेट को वापस से क्लोज कर देगा। तो आप देखिए यहां पर पूरी कहानी को अगर मैं समराइज करूं तो यहां क्या हो रहा है कि हमने एक गेट बनाया और यहां पर बीच में हमने एक हिंज लगाया, इस हिंज के अबाउट आपका गेट रोटेट हो सकता है। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे डैम में पानी का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, ये जो एफ नेट फोर्स है वो इस हिंज पॉइंट के नीचे है, और जब ये हिंज पॉइंट के नीचे होगा एफ नेट फोर्स, तो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कपल जनरेट कर रहा है। अब चूंकि आपने यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन बना दिया, कोई दीवार बना दी, कोई आपने सपोर्ट बना दिया, तो गेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होके ओपन नहीं हो सकता, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन इसको ओपन नहीं होने देगा। अब क्या हो रहा है कि डैम में पानी का लेवल बढ़ रहा है, जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ये जो एफ नेट फोर्स का जो पॉइंट है, जहां पर एफ नेट फोर्स लगता है, सेंटर ऑफ प्रेशर, ये भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ प्रेशर की जो डिस्टेंस होती है फ्रॉम टॉप और बॉटम एज, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो वाटर के लेवल पे डिपेंड करती है। जितना ज्यादा पानी का लेवल होगा, सेंटर ऑफ प्रेशर उतना ही ज्यादा ऊपर लगेगा। तो सेंटर ऑफ प्रेशर की बॉटम से जो डिस्टेंस होती है वो पानी के लेवल पे डिपेंड करती है, क्योंकि इसका जो कैलकुलेशन आता है वो वाटर के फ्री सरफेस से ही आता है। तो माय डियर फ्रेंड, जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ना स्टार्ट हुआ, जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हुआ। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा जब सेंटर ऑफ प्रेशर हिज पॉइंट से ऊपर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि पानी का लेवल डैम में बहुत ज्यादा बढ़ गया, और जैसे ही सेंटर ऑफ प्रेशर हिंज पॉइंट से ऊपर जाएगा, अब ये जो एफ नेट फोर्स है इसको कौन सी डायरेक्शन में कपल लगाएगा, ये लगाएगा इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस हिंज पॉइंट के अबाउट कपल लगेगा, तो अब इस डायरेक्शन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो इस टॉर्क को रजिस्ट कर पाए, और इस वजह से आपका जो गेट है वो रोटेट हो जाएगा, और जैसे ही गेट रोटेट होगा तो यहां पर बेसिकली कोई वॉल वगैरह होगी तो यहां पर गेट खुल जाएगा, और जैसे ही गेट खुलेगा तो इसके नीचे से पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा, फ्लूड निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड? अब जब फ्लूड निकलना स्टार्ट होगा तो अगेन जो डैम के अंदर पानी का लेवल नीचे जाएगा, और जैसे जैसे पानी का लेवल नीचे जाएगा, सेंटर ऑफ प्रेशर फिर नीचे जाना स्टार्ट करेगा, और जब सेंटर ऑफ प्रेशर इस हिंज पॉइंट से नीचे आ गया, जब सेंटर ऑफ प्रेशर हिंज पॉइंट से नीचे आ गया, तो अब ये जो इस हिंज पॉइंट के अबाउट है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट करेगा, और जब ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट करेगा तो ये गेट रोटेट होगा, और रोटेट होके वापस से स्टॉप हो जाएगा एट दिस पोजिशन, क्योंकि यहां पर आपने स्टॉपर लगा रखा है, यहां पर कोई कंस्ट्रक्शन आपने बना रखा, तो इसके बाद आपका गेट ओपन नहीं होगा। तो यहां पर देखिए इसको क्यों कहते हैं ऑटोमेटिक गेट ओपनिंग, कि देखिए मैंने गेट को ऑटोमेटिकली ओपन भी किया, ऑटोमेटिकली बंद भी किया, इससे क्या होगा कि डैम में जो पानी का लेवल है अगर डेंजर लेवल से क्रॉस करेगा तो गेट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, और अगर पानी का लेवल डेंजर लेवल से नीचे आ गया तो गेट वापस से अपने आप बंद हो जाता है। इस कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं ऑटोमेटिक गेट ओपनिंग या टिपिंग ऑफ द गेट। तो इसलिए गेट 2013 में एक एक क्वेश्चन आया था टिपिंग ऑफ द गेट, तो 99% बच्चों को तो यही नहीं पता था कि टिपिंग होती क्या है। तो जब आपको यही नहीं पता कि टिपिंग क्या होती है तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। तो इसलिए ये कंसेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिपिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोमेटिक गेट ओपनिंग। तो जहां पर टिपिंग वर्ड शब्द आए गेट के कंसेप्ट में, इसका मतलब यही वाला कंसेप्ट वो यूज कर रहा है, यही वाला कंसेप्ट वो यूज कर रहा है, एंड दिस कंसेप्ट इज नोन एज ऑटोमेटिक गेट ओपनिंग।
अरे कुछ बात समझ में आई या सुनो, अरे कुछ बात समझ में आई या सुनो, अरे कुछ बात समझ में आ रही है या सुनो। निखिल मुकुंद कुछ बात समझ में आ रही किसी को? यस सर, इसको कहते हैं ऑटोमेटिक गेट ओपनिंग। तो देखिए कितना ब्यूटी है कंसेप्ट में, हमने गेट को ओपन भी किया बंद भी किया, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक्स हमने सेंसर यूज किया ना कुछ हमने यूज किया, गेट को ओपन भी कर रहे हैं बंद भी कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं आ रही। केवल केवल फ्लूइड मैकेनिक्स का हमने हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का कंसेप्ट यूज किया और गेट को ओपन भी करके दिखा दिया बंद भी करके दिखा दिया, कोई मैनुअल ऑपरेटर की यहां पर जरूरत नहीं है। अब तुम्हारा डैम हो गया सेफ, दैट इज हाउ ब्यूटी ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियर्स। ओके, सो दिस इज कॉल्ड ऑटोमेटिक गेट ओपनिंग। अब माय डियर फ्रेंड, एक क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, कि क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए आप आंसर देना इसका, कि सपोज यू हैव अ डैम, सपोज यू हैव अ डैम, देखिए एक डैम है, डैम के अंदर एक गेट लगा हुआ है और इस गेट में एक हिंज लगा हुआ है, यहां पर बीच में हिंज है, इस हिंज पॉइंट के अबाउट ये गेट रोटेट कर सकता है। अगर ये हिंज जो है इस गेट के बेस पर, बेस से 1 मीटर डिस्टेंस पर है, तो यहां पर आपको बताना है, फाइंड दी मैक्सिमम हाइट ऑफ वाटर कैन होल्ड बाय दिस गेट। कितना मैक्सिमम हाइट ऑफ वाटर को ये होल्ड कर सकता है गेट, ओके, दिस इज योर क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ वाटर लेवल इट कैन होल्ड बाय द गेट। तो इस एच की वैल्यू पता करनी, एच मैक्सिमम पता करना है तुमको, कितना हो सकता है, एच मैक्सिमम कितना हो सकता है, मुझे आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में, व्हाट एच कैन बी मैक्सिमम, एच मैक्सिमम कितना हो सकता है। थ्री मीटर, एक्सेलेंट रिकेश, एक्सेलेंट, इट कुड बी 3 मीटर, यस एक्सेलेंट। इट विल बी 3 मीटर, इट मैक्सिमम हाइट कुड बी 3 मीटर, एक्सेलेंट। और कोई बता रहा है मेरे को, और कोई बता रहा है? और कोई बता रहा है मुझे? क्या अरे इतना टाइम थोड़ी लगना यार, तो माय डियर फ्रेंड अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा रहा हूं आपको। देखिए अगर आपका जो एफ नेट फोर्स यहां पर लग रहा है, एफ नेट फोर्स अगर हिंज पे लग रहा है और सेंटर ऑफ प्रेशर यहीं पर आ जाए, तो ये आपकी, अगर एफ नेट फोर्स यहां पर लग रहा है और सेंटर ऑफ प्रेशर यहां पर आ जाए, तो ये मैक्सिमम पोजीशन हो सकती है जब तक गेट ओपन नहीं होगा। इसके बाद अगर पानी का लेवल बढ़ गया, अगर वाटर का लेवल थोड़ा सा भी बढ़ गया, तो अब सेंटर ऑफ प्रेशर ऊपर आ जाएगा। पूरी बात को समझने की कोशिश करना, मैं आराम से समझा रहा हूं, मैं दोबारा बोल रहा हूं कि अगर एफ नेट फोर्स यहां पर हिंज पॉइंट पर लग रहा है, इसका मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर इस हिंज पॉइंट पर है। अगर पानी का लेवल इस थोड़ा और ज्यादा हो गया, तो सेंटर ऑफ प्रेशर हिंज पॉइंट से ऊपर लगेगा, और जैसे ही सेंटर ऑफ प्रेशर हिंज पॉइंट से ऊपर शिफ्ट होगा, अब एफ नेट क्या करेगा, एफ नेट फोर्स इसको ओपन करने की कोशिश करेगा गेट को, एफ नेट फोर्स इस गेट को क्या करेगा, ओपन करने की कोशिश करेगा। तो जब तक आपका एफ नेट फोर्स सेंटर ऑफ प्रेशर, सॉरी इस हिंज पॉइंट तक लग रहा है, तब तक गेट ओपन नहीं होगा। जैसे ही सेंटर ऑफ प्रेशर हिंज पॉइंट से ऊपर शिफ्ट हो गया, तो गेट ओपन हो जाएगा। तो जब तक आपका सेंटर ऑफ प्रेशर हिंज
पॉइंट तक रहता है तब तक गेट ओपन नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम हाइट के लिए, फॉर मैक्सिमम हाइट इन डैम, मैक्सिमम हाइट ऑफ वाटर होल्ड बाय द गेट गेट सेंटर ऑफ प्रेशर मस्ट कोइंसाइड द हिंज पॉइंट, यस ओ नो, मस्ट कोइंसाइड द हिंज पॉइंट। अब देखिए, जब ये हिंज पॉइंट कोइंसाइड करता है और ये फ्लैट सरफेस है, तो फ्लैट सरफेस का सेंटर ऑफ प्रेशर का जो टॉप से डिस्टेंस है वो आपने कितना लिखा था, वो लिखा था y इक्वल टू होता है 2h/3। तो टॉप से डिस्टेंस सेंटर ऑफ प्रेशर का फ्रॉम फ्री सरफेस क्या आता है आपका 2h/3। तो टॉप से 2h/3 आता है, तो बॉटम से कितना आएगा h/3। ठीक है, अब बॉटम से इसने हाइट कितना रखा, 1 मीटर, तो ये h/3 होगा, दैट इज h मैक्सिमम बाय 3 इक्वल टू 1 मीटर हो जाएगा। इसका मतलब ये वो कंडीशन होगी जब आपका सेंटर ऑफ प्रेशर हिंज पॉइंट पर आएगा, तो मैक्सिमम हाइट कितना आ रहा है तुम्हारा, मैक्सिमम हाइट आएगा 3 मीटर। सो द मैक्सिमम हाइट फॉर दिस केस विल बी 3 मीटर। सो द मैक्सिमम वाटर लेवल कैन बी होल्ड बाय दिस गेट इफ हिंज इज 1 मीटर अवे फ्रॉम द बेस इज 3 मीटर। तो 3 मीटर हाइट तक मैक्सिमम वाटर को होल्ड कर सकता है। 3.1 मीटर भी अगर हाइट हो गया तो गेट ओपन हो जाएगा, और अगर 3 से नीचे रहता है तो गेट बंद ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो निखिल बात समझ में आ गई, मुकुंद बात समझ में आई, या सोनो, अरे बात समझ में आई कि जब तक आपका गेट सेंटर ऑफ प्रेशर, जब तक आपका सेंटर ऑफ प्रेशर इस हिंज पॉइंट पर कौन साइड है, तब तक आपका गेट जो है बंद रहेगा। अगर इस हिंज पॉइंट से नीचे आ गया, यस, इतना आसान, उसके बाद ये वापस से ओपन हो जाएगा। तो एच मैक्सिमम बाई 1 विल बी 3। इट वॉज वेरी आसान क्वेश्चन, आसान है बट कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। तो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए, द फिगर शोज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मगर फिगर शोज अ हाइड्रोलिक गेट ठीक है PQR हूज वेट weight is very small, small as compared to hydrostatic forces. Find the value of H if P equal to 3 meter। अब मैं आपको बता दूंगा वैल्यू H क्या है, B क्या है। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अब जो गेट आपको दे रखा है वो मैं आपको बता रहा हूं यहां पर बना के। तो ये जो गेट ओपनिंग है ये इस तरह की गेट ओपनिंग है, एक L शेप काइंड ऑफ गेट है, और ये एल शेप काइंड ऑफ गेट इस पॉइंट पर हिंज है, इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर सकता है, इस पॉइंट पर हिंज है। अब इस एल शेप काइंड ऑफ गेट में इधर भी आपका फ्लूड भरा हुआ है और यहां पर एक वॉल लगी हुई है,
ये वॉल जो है फ्रूट को बाहर जाने नहीं देती यहां से। और यहां पर आपका फ्रूट भरा हुआ है, लेकिन डायग्राम को बहुत प्यार से समझाएंगे। अब ये वाली जो वर्टिकल लेंथ है, ये वर्टिकल लेंथ इस गेट की है एच। ये जो वर्टिकल लेंथ है इस गेट की टॉप सरफेस है, दिस इज एच। ये आपका यहां पर फ्री सरफेस है। और ये जो इसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ है, दिस इज बी, ये आपकी 3 मीटर है। ओके, और आपका जो डेप्थ है ये आपका 1 मीटर है यहां पर। तो बेसिकली गेट पूरा ऐसे होगा, तो ये आपकी 1 मीटर दे रखी है। आपको एच की वैल्यू निकालनी है। करिए क्वेश्चन, करिए। चलिए क्वेश्चन करिए कि फॉर फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, ओके, तो दिस इज योर क्वेश्चन। अब आपको इसको सॉल्व करना है। ये देखिए, ये जो हिंज है ना, ये इस हिंज पॉइंट के अबाउट गेट रोटेट हो सकता है, ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो इस हिंज पॉइंट के अबाउट मूवमेंट को जीरो लो। ये मान लीजिए कोई भी पॉइंट, मान लो क्यू पॉइंट, तो ये आपका हिंज है यहां पर। इस हिंज पॉइंट के अबाउट आपको मूवमेंट को जीरो लेना है, तभी जाके आपका आंसर निकलेगा। हिंज पॉइंट के अबाउट आपको मूवमेंट को जीरो लेना पड़ेगा, तभी जाके आपका आंसर निकलेगा। ओके, तो इस हिंज पॉइंट के अबाउट आपको मूवमेंट जीरो लेना पड़ेगा, तभी आपका आंसर यहां पर निकलने वाला है, ठीक है। तो फाइंड आउट द मूवमेंट अबाउट हिंज पॉइंट फर्स्ट। तो ट्राई टू फाइंड आउट द मूवमेंट अबाउट द हिंज पॉइंट एंड देन उस मूवमेंट को आप जीरो करिए, तो जीरो से आपका आंसर निकल आएगा। ये बेसिकली एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल गेट का केस है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिए कैसे हो रहा है। मुझे आपको एच बताना है, आपको एच बताना है। बी आपको दे रखा है, विड्थ आपको दे रखा है 3 मीटर, ये हॉरिजॉन्टल लेंथ आपको दे रखा है 3 मीटर, और आपका डेप्थ है यहां पर 1 मीटर। गेट का डेप्थ आपका 1 मीटर है, ठीक है। लगाइए आप में इसमें हाइड्रोस्टेटिक कंसेप्ट और देखेंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। लगाइए हाइड्रोस्टेटिक कंसेप्ट और सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज। हो जाएगा, कर रहे हो क्वेश्चन, कर रहे हो ना रिकेश? निकेल हो रहा है क्वेश्चन, कर रहे हो ट्राई? ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन फर्स्ट।
Try to solve the question. Give me answer in the comment box. Answer दीजिए मुझे comment box में, क्या answer आ रहा है आपका? बट इन द आंसर इन कमेंट बॉक्स फटाफट बताइए यार, अरे हो भी रहा है या नहीं हो रहा है? कैन यू सॉल्व और नॉट? चलिए मैं करूं सॉल्व, तो लेके इसको सॉल्व करता हूं मैं। यस नो तो कर दो यार, हो रहा है या नहीं हो रहा है? टाइम नहीं लगना इसमें। तो माय डियर फ्रेंड, यहां पर बेसिकली कहानी कुछ ऐसी है कि जो गेट है वो इस पॉइंट पर हिंज है, इसके बाद रोटेट हो सकता है, तो इसको बोले हिंज पॉइंट। क्यों? अगर ये गेट इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो फॉर इक्विलिब्रियम रूट थी। वेरी गुड निखिल। फॉर इक्विलिब्रियम मूवमेंट अबाउट, वेरी गुड निखिल, एक्सीलेंट मूवमेंट अबाउट, एक्सीलेंट निखिल, एक्सीलेंट मूवमेंट अबाउट हिंज पॉइंट क्या होगा? हिंज पॉइंट शुड बी जीरो। तो हिंज पॉइंट के अबाउट मूवमेंट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं यहां पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा फोर्स लगेगा वर्टिकल वॉल पे, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स। कहाँ लगेगा? एफ नेट लगेगा। कहाँ लगता है? सेंटर ऑफ प्रेशर पे। और जो हमारे पास ये गेट का हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, इस पर भी एक हमारे पास हाइड्रोस्टेटिक फोर्स लगेगा, वो भी सेंटर ऑफ प्रेशर पे लगेगा। और यहां पर अगर गौर से देखो, जो फ्री सरफेस ऑफ वाटर है वो यहां पर टॉप पर है। फ्री सरफेस ऑफ वाटर कहां पर है? टॉप पर है। यहां पर कोई फ्री सरफेस नहीं है इस साइड। यहां पर जो फ्लूड भरा होगा वो प्रेशराइज कंडीशन में भरा हुआ, तो फ्री सरफेस केवल आपकी यहां पर है। अंडरस्टैंड? तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है दैट इज डब्ल्यू एक्स बार, इसको हम निकालें, और ये हमारा लग रहा है वर्टिकल फोर्स। तो ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है दैट विल बी इक्वल टू डब्ल्यू ए एक्स बार। डब्ल्यू हमारा 9810 होता है। अब इस प्लेट की हाइट जो है वो हमें पता है h दे रखी है, तो एरिया कितना हो जाएगा h और डेप्थ कितनी दे रखी है 1। अब इसका x बार निकालोगे तो इसका x बार क्या आएगा? इसका सेंटर। अब इस प्लेट का सेंटर क्या आएगा? इसकी हाफ पर, तो ये h by 2। इतना हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्टिकल फोर्स की। तो वर्टिकल फोर्स होगा डब्ल्यू एक्स बार, अगेन सेम फॉर्मूला होता है, स्मॉल डब्ल्यू स्पेसिफिक वेट 9810 हो जाएगा। अब देखिए इस प्लेट का एरिया अगर हम लेंगे तो इसकी हमें लेंथ पता है कितनी है विड्थ, और इसका डेप्थ पता है हमको 1 है, तो विड्थ हमको 3 दे रखी है और डेप्थ 1 है, तो एरिया ये हो गया। अब रही बात इसकी एक्स बार की, तो सर एक्स बार तो यहां पर 0 हो जाएगा, ऐसा आप सोचोगे। अरे भैया, एक्स बार वाज अ डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम फ्री सरफेस। अरे फ्री सरफेस कहां दिख रही है तुमको? ऊपर इस डायग्राम में देखो, फ्री सरफेस केवल यहां पर है, यहां कोई फ्री सरफेस नहीं है, यहां तो प्लेट है। तो फ्री सरफेस से डिस्टेंस लेंगे, तो फ्री सरफेस से ये सेंटर ऑफ प्रेशर यहां पर होगा, इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? अरे इसकी डिस्टेंस तो h के बराबर ही आ जाएगी। अरे जितना यहां पर ये वर्टिकल हाइट है, इतना ही सेंटर ऑफ प्रेशर की डिस्टेंस है फ्री सरफेस से। तो ये हमारा वर्टिकल फोर्स हो गया, ये हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स हो गया। अब अगर हम लोग मूवमेंट निकालना चाहते हैं एट क्यू पॉइंट, तो मूवमेंट अबाउट क्यू पॉइंट क्या हो जाएगा? मूवमेंट अबाउट क्यू पॉइंट, देखिए ये एफ एच हाइट है, इसकी डिस्टेंस यहां से कितनी होती है वर्टिकल प्लेट की? दैट इज h बाई 3। ये हम बार बार निकाल चुके हैं।
अगर हॉरिजॉन्टल प्लेट है तो बीच में आपका हाइड्रोस्टेटिक फोर्स लगता है, तो ये कितनी होगी आपकी बी बाई टू, तो ये डिस्टेंस होगी। अब मोमेंट क्या होता है, ये फोर्स इसको ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा, दैट इज क्लॉकवाइज। तो मोमेंट होता है फोर्स इंटू वर्टिकल डिस्टेंस, फोर्स से वर्टिकल डिस्टेंस कितना है एच बाई थ्री, ये इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये वर्टिकल फोर्स वाला मोमेंट इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो यहां पर माइनस साइन लगा दो, फोर्स और फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आएगी बी बाई टू। इनका समेशन क्या होना चाहिए, जीरो। अगर इनका समेशन जीरो नहीं हुआ तो गेट रोटेट करने लग जाएगा। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एफ एच हमने निकाल लिया है, इसको डब्ल्यू लेके चलो कोई दिक्कत नहीं है, एच इंटू एच बाई टू और एच बाई थ्री से और मल्टीप्लाई कर दो। एफ वी हमने निकाल लिया था डब्ल्यू थ्री इंटू वन इंटू एच और इसको बी बाई टू से और मल्टीप्लाई कर दो, इनका समेशन क्या होना चाहिए जीरो। सो माय डियर फ्रेंड, मैं दूसरे पेज पे चल रहा हूं, यहां पर जगह खत्म हो गई। तो देखिए डब्ल्यू एच इंटू एच बाई टू इंटू एच बाई थ्री, यही है कहानी। देखो यहां पर इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारे पास डब्ल्यू थ्री इंटू एच इंटू बी बाई टू, दैट इज अवर एक्सप्रेशन, दैट इज अवर एक्सप्रेशन। तो आपको क्या करना है, एच से एच काट दो, तो यहां क्या बचेगा, डब्ल्यू से डब्ल्यू कट गया, एच स्क्वायर बाई सिक्स कैन बी ऑल्सो बी बाई थ्री बी बाई टू। तो देखिए टू से ये थ्री बार जाएगा, ठीक है, और जो बी है उसको भी हम थ्री लिखेंगे, तो एच स्क्वायर इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू, और बी भी थ्री है तो ये हो गया। तो अब इसका रूट कर दो, अंडर रूट ऑफ थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, तो ये थ्री बार आएगा अंडर रूट ऑफ थ्री, तो थ्री रूट थ्री इज अ आंसर। तो एच आपका कितना आएगा थ्री रूट थ्री। तो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन सो वर्टिकल हाइट शुड बी थ्री रूट थ्री, आंसर विल बी थ्री रूट थ्री। बात समझ में आ रही है इतनी, अरे यस और नो, थ्री रूट थ्री निखिल ने सही निकाला था, बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट आंसर। तो थ्री रूट थ्री विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यस और नो। अरे इतनी बात समझ में आ गई है, दोबारा समझाओ कहां तक प्रॉब्लम आई है, ये बात समझ में आई है, मैं दोबारा समझाऊं इसको। तो देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, हमने पहले ये एक गेट है एल शेप गेट है, इसका वर्टिकल पोर्शन है, इसका एक हॉरिजॉन्टल पोर्शन, तो वर्टिकल पोर्शन पे हॉरिजॉन्टल हाइड्रोस्टेटिक फोर्स लगेगा जो इसको क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा, और हॉरिजॉन्टल गेट पोर्शन पर वर्टिकल हाइड्रोस्टेटिक फोर्स लगेगा जो इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा, और ये रोटेशन किसके अबाउट करेगा, हिंज पॉइंट के अबाउट। तो अगर ये गेट इक्विलिब्रियम अवस्था में है तो हिंज पॉइंट के अबाउट मोमेंट क्या होना चाहिए, जीरो। तो उस मोमेंट को हमें निकालना है, सबसे पहले हमने हॉरिजॉन्टल हाइड्रोस्टेटिक फोर्स निकाला ऑन द वर्टिकल पोर्शन ऑफ द गेट। तो हॉरिजॉन्टल हाइड्रोस्टेटिक फोर्स का फॉर्मूला आप लोग पता है डब्ल्यू ए एक्स बार, तो डब्ल्यू 9810 होता है, और ए क्या है इस प्लेट का एरिया, तो इस प्लेट की हाइट हमारे पास एच है और विड्थ को डेप्थ को वन दे रखा है, तो एरिया ये हो गया। अब एक्स बार क्या होता है, प्लेट का सेंट्रोइड, तो अगर ये वर्टिकल प्लेट है तो इसका सेंट्रोइड कहाँ होगा, बीच में, तो ये एच बाई टू पे हो गया। इसी तरह से अगर वर्टिकल हाइड्रोस्टेटिक फोर्स की बात करें तो अगेन डब्ल्यू एक्स बार, तो डब्ल्यू तो सबको पता है कोई दिक्कत नहीं, अब इसका एरिया की बात करें तो विड्थ इंटू डेप्थ हो जाएगा एरिया, ओके। अब एक्स बार में प्रॉब्लम आएगी आपको, तो एक्स बार क्या होता है, एक्स बार होता है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम फ्री सरफेस। अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो जो फ्री सरफेस है वो केवल कहां पर है, टॉप पर है, यहां पर है जहां से पानी फ्लूड स्टार्ट हुआ है, तो फ्री सरफेस से ये जो डिस्टेंस आएगी इसके सेंटर ऑफ प्रेशर वो एच बार आए, एच आएगी आपको, तो यहां पर एक्स बार क्या हो जाएगा, एच के बराबर। अब मोमेंट निकालेंगे अगर हम लोग क्यू पॉइंट के अबाउट, मोमेंट क्या होता है फोर्स, और फोर्स से जिस पॉइंट के अबाउट निकालते हैं उससे वर्टिकल डिस्टेंस, तो ये फोर्स लग रहा है एफ एच और इससे वर्टिकल डिस्टेंस क्या है एच बाय थ्री, क्योंकि ये एक वर्टिकल प्लेट है, तो प्लेट के लिए हमने देखा था कि टॉप से टू एच बाय थ्री होती है, बेस से एच बाय थ्री होती है, तो डायरेक्टली हमने एच बाय थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी वाई निकालेंगे तो भी यही आने वाला है। इसी तरह से वर्टिकल फोर्स से बीच में लगेगा सेंटर में, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेट पर जो हाइड्रोस्टेटिक फोर्स लगते हैं वो प्लेट के सेंटर पे लगते हैं, तो सेंटर से जो हिंज पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है वो बी बाई टू के बराबर हो जाएगी, तो इससे हिंज पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दिया और मोमेंट के समेशन को जीरो कर दिया, इससे आ गया दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास एच की वैल्यू आ गई फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, ओके। सो इट्स वेरी सिंपल, अरे बात समझ में आ रही है, या सुनो यार, हाँ या ना तो कर दो,
यहां से थोड़ी बहुत तो समझ में आई गई, या सुनो बात समझ में आ गई तो मैं आगे पढ़ूं। हैव यू अंडरस्टूड दिस? क्लियर है ये? क्लियर है? अगर ये क्लियर, वेरी गुड, मुकुंद को समझ में आ गई तो बाकी सबको वैसे भी समझ में आ गई होगी। तो यस सर, तो नाउ वील टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक वी आर मूविंग फॉरवर्ड इज नोन एज हाइड्रोस्टेटिक फोर्स। फोर्स ऑन कर्व सरफेस। अब हम जो नए टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं इसका नाम है हाइड्रोस्टेटिक फोर्स ऑन कर्व सरफेस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस हाइड्रोस्टेटिक फोर्स ऑन कर्व सरफेस। तो मैं इस टॉपिक को आपको बहुत अनकन्वेंशनल वे में पढ़ा रहा हूं, कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूं। ओके, तो देखिए यहां पर कहानी कैसे होती है। अगर हम किसी कर्व सरफेस की बात करते हैं, कर्व सरफेस हमने देखे हैं लास्ट क्लास में कि जो हमारे डैम होते हैं जरूरी नहीं होता वो हमेशा एक फ्लैट सरफेस हो, वो कर्व सरफेस भी हो सकते हैं। क्योंकि आपको याद होगा मैंने जब आपको देखिए इस तरह के डैम का आपको स्ट्रक्चर बताया, देखो ये कर्व सरफेस है, नहीं है ये कैसी सरफेस है, कर्व सरफेस है। तो जरूरी नहीं होता कि डैम हमेशा एक फ्लैट सरफेस हो, डैम हमेशा कभी कभार कर्व सरफेस भी होते हैं। तो मैंने आपको ये बताया हुआ है कि देखिए कर्व सरफेस भी हो सकता है डैम। ये देखिए ये भी एक कर्व सरफेस है, यहां पर जो डैम है वो कैसा है, कर्वेचर है। यहां पर भी आप देखिए इस पिक्चर में भी डैम कैसे है, कर्वेचर है। तो जरूरी नहीं होता कि डैम हमेशा क्या हो, फ्लैट सरफेस हो। समटाइम गेट डैम की जो सरफेस होती है वो कर्वेचर भी बनती है, या डैम पर जो गेट लगाओगे वो कर्वेचर शेप में लगते हैं कई बार। ओके, इस तरह का कुछ शेप बन जाता है कि अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज वो हम यहाँ पर नहीं पढ़ने वाले, कंस्ट्रक्शन के वो पॉइंट है, ठीक है। बट इस तरह सा कंडीशन हो सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो ये जो सेक्शन है जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये हम उन्हीं की बात करेंगे, इस कर्वेचर पे आने वाले फोर्सेस के ही बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड, अगर हमारे पास सपोज ये जो कर्वेचर है इस तरह से मौजूद है, तो इस कर्वेचर पर लगने वाले फोर्सेस की बात करें तो ये जो कर्वेचर है वो ए से स्टार्ट होता है और ये कर्वेचर कहां पर खत्म होता है, बी पे खत्म होता है। क्योंकि बाकी ये वाला पोर्शन में जो फोर्स आएगा वो हमें पता है, क्योंकि फ्लैट सरफेस पे जो फोर्सेस आते हैं वो हम लोग अभी सेक्शन में कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस वर्टिकल सरफेस पे क्या फोर्स आएगा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे क्या फोर्स आएगा हम कैलकुलेट, हाँ, लेकिन अभी तक हमने कर्वेचर पर क्या फोर्स आएगा उसके बारे में डिस्कस नहीं किया है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं इसको बहुत ही प्यार से आसानी से आपको समझाना चाह रहा हूं, आई डोंट वांट टू मेक इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो ये हमारा फ्रूट भरा हुआ है, सपोज इस डैम पर फ्रूट भरा हुआ है और डैम की जो बॉटम सरफेस है वो कुछ कर्वेचर को रखती है, कर्वेचर है, डैम की बॉटम सरफेस कर्व सरफेस है। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। अब माय डियर फ्रेंड, अगर हमारे पास इस कर्वेचर पे कोई छोटा सा एलिमेंट लें, कोई छोटा सा इस सरफेस का अगर हम एलिमेंट लें, ठीक है, तो इस एलिमेंट पर, इस सरफेस पर जो फोर्स लगेगा वो हमेशा एलिमेंट के परपेंडिकुलर होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो प्रेशर लगता है, प्रेशर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। तो सपोज अगर इस पर प्रेशर आ रहा है पी और इस एलिमेंट का एरिया डी है, डी ए है, तो फोर्स कितना आएगा इसके ऊपर, पी इंटू डी ए। तो फोर्स क्या आएगा, किसी इंक्लाइन डायरेक्शन में आएगा। तो अब इस फोर्स के हमारे पास दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट। इसका मतलब अगर हमारे पास कोई कर्व सरफेस है उसके पास दो फोर्स लगते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लगता है और एक वर्टिकल लगता है। इसका मतलब अगर हम कर्व सरफेस की बात कर रहे हैं तो वहां पर दो फोर्स के कंपोनेंट आएंगे, एक आपका हॉरिजॉन्टल होगा और एक आपका क्या होगा, वर्टिकल होगा। ओके, एक आपका हॉरिजॉन्टल होगा और एक आपका वर्टिकल होगा। अब इस सरफेस के जो कंपोनेंट है इसको आप ऐसे ले सकते हो कि डी एच
DFH को डी लिख दो, स्मॉल फोर्स की बात करें तो DFH दैट इज स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कैन बी राइट एज DF साइन थीटा एंड DFV दैट इज वर्टिकल फोर्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्टिकल फोर्स दैट इज DF कॉस थीटा। अब ये जो डीएफ होगा दैट इज स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स, अब अगर हमारी सरफेस पे प्रेशर कितना लग रहा है, रो जी, और अगर इसकी डेप्थ जो है यहां से इस छोटे से एलिमेंट की जो डेप्थ है यहां से टोटल, यहां से जो डेप्थ है वो क्या है आपकी एक्स है, अगर डेप्थ एक्स है तो यहां पर जो फोर्स लगेगा दैट इज रो जी एक्स, इसके ऊपर प्रेशर लगेगा और इसका एरिया अगर डी है तो डीएफ किसके बराबर हो जाएगा, रो जी एक्स इंटू डीए के बराबर हो जाएगा। तो डीएफएच यहां पर हो जाता है रो जी एक्स इंटू डीए साइन थीटा, और ये वाला हो जाता है एफ डी वी इक्वल टू रो जी एक्स इंटू डीए कॉस थीटा। यहां तक बात आ गई। अब ये जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होगा और वर्टिकल फोर्स क्या होगा, ठीक है, लेकिन हम अब इसको प्रैक्टिकली अब इसको डेरिवेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ वैल्यूज आ रही है, ठीक है। अब उन वैल्यूज को मैं डायरेक्ट आपको समझाऊंगा, इस एक्सप्रेशन से नहीं समझाने वाला हूं क्योंकि थोड़ा सा फिर आपको मैथमेटिकल प्रॉब्लम होने लगेगी। मैं आपको डायरेक्टली समझा रहा हूं, देख एक कॉन्क्रीट वे में समझा रहा हूं कि कैसे चीजें हो रही हैं यहां पर। अब सोचिए यहां पर दो केस बनाए, अभी यही कंडीशन है यहां पर और फ्लूड भरा हुआ है, लेकिन अब इस फ्लूड के बेस पर कर्वेचर नहीं है, कुल मिला के कहानी कुछ ऐसी है, बेस पर कर्वेचर नहीं है, ओके, केवल फ्लैट सरफेस है। दूसरी कंडीशन में जो हमने बात की थी, दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, दूसरी कंडीशन में हमारे बेस पर कुछ कर्वेचर आ गया, दूसरी कंडीशन में हमारे बेस पर कर्वेचर आ गया, तो अब हम यहां ये सोचेंगे कि अगर बेस पर कर्वेचर नहीं होता और अब कर्वेचर आ गया उसमें क्या डिफरेंस आया, पहले बेस पर कर्वेचर नहीं है और अब कर्वेचर है बेस पर तो क्या फर्क आएगा, तो देखिए उस फर्क को ही जानेंगे हम लोग। तो देखिए अगर हमने यहां पर फ्लैट सरफेस लगाए होते तो फ्लैट सरफेस के दो पोर्शन होते हैं, एक तो वर्टिकल सेक्शन होता और एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता, एक तो वर्टिकल सेक्शन होता और एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता। इसका मतलब इस कर्वेचर को हटा के हम एक वर्टिकल फ्लैट प्लेट लगा सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट लगा सकते हैं, ओके। अब जब ये कर्वेचर आता है तो हमारे पास क्या चेंजेस आते हैं वो हम देखते हैं। देखिए अगर ये कर्वेचर यहां पर आता है तो यहां पर और एडिशनल कोई फ्लूड आ गया ना, यहां पर कोई एडिशनल फ्लूड आ गया, अगर ये कर्वेचर नहीं होता तो यहां पर और एक फ्लैट सरफेस होती, तो ये कर्वेचर आने पर ये एक एडिशनल फ्लूड आ गया यहां पर, ठीक है। सो बेसिकली हुआ क्या, अगर आपने यहां पर ये कर्वेचर बनाया तो इतना पोर्शन जो है फ्लूड और एक्स्ट्रा भर गया, अगर आपने ये कर्वेचर बनाया तो इतना एक्स्ट्रा फ्लूड और आपका इस कर्वेचर पर भर गया, अगर ये कर्वेचर नहीं होता तो इस तरह की सरफेस होती, तो कर्वेचर बढ़ने की वजह से ये एक्स्ट्रा फ्लूड यहां पर आपका और ऐड हो गया। अब अगर ये एक्स्ट्रा फ्लूड यहां पर और ऐड हो गया तो इस एक्स्ट्रा फ्लूड का जो वेट होगा वो कहां होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि एक्स्ट्रा फ्लूड ऐड होने से क्या होगा, मास बढ़ जाएगा और मास का जो वेट होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन लगता है। तो बेसिकली ये जो कर्वेचर है इस कर्वेचर पे जो आपका वर्टिकल फोर्स आएगा दैट विल बी नथिंग बट अ वेट ऑफ फ्लूड कंटेन्ड बाय दिस कर्व सरफेस अप टू फ्री सरफेस, जितना पानी इस कर्व सरफेस के ऊपर फिल होगा
अब टू फ्री सरफेस, उस पानी का जो वेट लगेगा वो इस कर्व सरफेस पर कौन सा फोर्स लगाएगा, वो इस कर्व सरफेस पर वर्टिकल फोर्स लगाएगा। क्योंकि जब आपने कर्व सरफेस बनाया तो बेसिकली क्या हुआ, इतना पानी और एक्स्ट्रा इसके अंदर ऐड हो गया। अब इस पानी का जो वेट लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और उस वेट को कौन बैलेंस करेगा, जो आपने ये कर्वेचर बनाया है, क्योंकि इस कर्वेचर की वजह से ही वो पानी आया, तो उस पानी का जो वेट होगा वो इस कर्व सरफेस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो वर्टिकल फोर्स, अरे बात समझ में आई या सुनो, सो वर्टिकल फोर्स ऑन कर्व सरफेस इज नथिंग बट अ वेट कंटेन बाय द कर्व सरफेस, वेट कंटेन बाय कर्व सरफेस अप टू फ्री सरफेस। तो फ्री सरफेस तक जितना वेट लग रहा है फ्लूड का, वही कर्व सरफेस पर वेट, फ्री सरफेस तक जितना फ्लूड का वेट है वही कर्व सरफेस पर वर्टिकल फोर्स है। इतनी बात समझ में आई यस और नो, बात बताओ, इतनी बात समझ में आई यस और नो? अरे बात समझ में आ रही है या ना? अब देखिए यहां पर, अब अगर आपने यहां पर ये बात तो आपको समझ में आ गई, कर्व सरफेस लगाने से इतना वेट एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो ये इतना यहां पर वर्टिकल डायरेक्शन के अगर फोर्स की बात करें तो कर्व सरफेस लगाने पर यहां पर वर्टिकल में तो कोई चेंज नहीं आया। पहले यहां पर जो वर्टिकल सेक्शन था, पहले यहां पर जो वर्टिकल वॉल थी, पहले यहां पर जो वर्टिकल वॉल हुआ करी होगी, पहले यहां पर जो वर्टिकल वॉल थी, उस वर्टिकल वॉल पे जो फोर्स लग रहे होंगे वो सेम लग रहे होंगे, क्योंकि कर्व सरफेस बढ़ाने पर फ्लूड बढ़ा और फ्लूड का वेट नीचे लगता है तो उसकी वजह से वर्टिकल फोर्स बढ़ा। लेकिन लेकिन अगर यहां पर आपने कर्वेचर लगाया तो उसकी वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्स में तो कोई चेंज नहीं आया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्स में तो कोई चेंज नहीं आया। क्योंकि अगर हमने यहां पर कर्वेचर लगा दिया तो कर्वेचर लगाने से इतना पानी और एक्स्ट्रा आ गया, और पानी का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे हैं वो इस एक्स्ट्रा फ्लूड के कारण चेंज नहीं होंगे। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे हैं वो इस एक्स्ट्रा फ्लूड के कारण चेंज नहीं होंगे। तो इस कर्व सरफेस पर जो आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा वो इतना ही लगेगा जितना इस कर्व सरफेस को की जगह पहले अगर फ्लैट सरफेस होता, तो उस फ्लैट सरफेस पर जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वही इस कर्व सरफेस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा। क्योंकि कर्व बनाने से ये जो एक्स्ट्रा फ्लूड आया, इस एक्स्ट्रा फ्लूड से वर्टिकल फोर्स और बढ़ गया, लेकिन हॉरिजॉन्टल फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि फ्लूड का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स वही लगेगा जो इस कर्व सरफेस की जगह अगर एक फ्लैट सरफेस होता तो उस पर जो फोर्स लगते हैं हाइड्रोस्टेटिक, वही फोर्स इस कर्व सरफेस पर भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा। बात समझ में आ रही है यहां तक? नहीं आई तो माय डियर फ्रेंड, द वर्टिकल फोर्स, नाउ हॉरिजॉन्टल फोर्स इन दिस कर्व सरफेस इज इक्वल टू हाइड्रोस्टेटिक फोर्स ऑन वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया। तो भैया ये कंसेप्ट कहां से आया, आप समझ में आ गई बात को? वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया पे जो हाइड्रोस्टेटिक फोर्स आएंगे वो आपको बात समझ में आ गई? अरे यस और नो यार, बात समझ में आ रही है? निखिल समझ में आ गई, रिकेश, मुकुंद, बात समझ में आ गई? कि बेसिकली अगर आप कर्वेचर ड्रॉ कर रहे हो, कर्वेचर बना रहे हो, तो कर्वेचर की वजह से एक्स्ट्रा और फ्लूड एड हो जा रहा है, लेकिन तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्स्ट्रा और फ्लूड, क्योंकि यहां पर एफ वी जीरो था, यहां पर एफ वी आ गया, एफ वी जीरो नहीं है, तो आपका कर्वेचर बनाने से एफ वी और बढ़ जाता है, जो कि वेट कंटेंट होता है जो कर्वेचर अपने ऊपर वेट को झेले हुए। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वही फोर्स लगता है जो इस कर्वेचर की जगह अगर एक फ्लैट सरफेस होता उस फ्लैट सरफेस पर लगता। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स में चेंज नहीं आया। व्हेन यू ड्रॉ द कर्वेचर ओनली द चेंज
दैट विल बी द एडिशनल वर्टिकल फोर्स। अरे इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? एडिशनल वर्टिकल फोर्स, तो इट विल बी द एडिशनल वर्टिकल फोर्स विच इज गोइंग टू चेंज व्हेन वी ड्रॉ द कर्व सरफेस, व्हेन वी ड्रॉ द कर्व सरफेस। ओके, तो यहां पर बात साफ है कि अगर हम कोई फ्लूड में, अगर हमारे पास कोई कर्व सरफेस होती है, कर्व सरफेस के ऊपर जितना भी फ्लूड भरा हुआ है, जितना भी फ्लूड का मास आता है, उस मास का जो वेट होता है, दैट वेट विल बी द वर्टिकल फोर्स ऑन दिस कर्व सरफेस। तो ये वेट कहाँ लगेगा? इसके सेंट्रोइड पे लगेगा। तो यहां पर जो वर्टिकल फोर्स लगता है, दिस फोर्स ऑल्सो एक्ट टू द सेंट्रोइड ऑफ दिस बॉडी। ये सेंट्रोइड होता है जहां के, जिसके अबाउट आपका वर्टिकल फोर्स लगी है। तो यही ट्रांसफर होगा, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन होगी। तो यहां से ये लाइन ऑफ एक्शन से इस वर्टिकल फोर्स को हमने ट्रांसफर कर दिया। और हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या लगेगा? अगर यहां पर फ्लैट सरफेस की जगह, अगर हम एक फ्लैट प्लेट लगाने, इस कर्व सरफेस की जगह फ्लैट प्लेट लगा दें, तो उस फ्लैट प्लेट पर जो आपका हाइड्रोस्टेटिक हॉरिजॉन्टल फोर्स आ रहा है, उस प्लेट प्लेट पर जो हमारा हाइड्रोस्टेटिक हॉरिजॉन्टल फोर्स आ रहा है, एंड दैट विल बी ओवर हॉरिजॉन्टल फोर्स। एंड यू नो दैट वो हॉरिजॉन्टल फोर्स कहाँ लगता है? वो हॉरिजॉन्टल फोर्स कहाँ लगता है? सेंटर ऑफ प्रेशर पे। तो वर्टिकल फोर्स कहाँ लगेगा? वॉल्यूम के सेंट्रोइड पे, जो कि वॉल्यूम यहां पर कर्व सरफेस ने झेल रखा है। और आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स कहां लगेगा? सेंटर ऑफ प्रेशर पर, जो आपका प्रोजेक्टेड एरिया बन रहा है बिकॉज ऑफ, दैट इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स। अरे मुकुंद, बात समझ में आई या सुनो? तो आपका वर्टिकल फोर्स कहां लगता है? आपके वर्टिकल फोर्स फ्लूड के सेंट्रोइड पे लगता है। तो माय डियर फ्रेंड, सपोज हमारे पास अगर ये कोई कर्वेचर है, तो इस कर्वेचर के अबाउट हमारे पास दो फोर्स होंगे, कर्वेचर पे लगने वाले दो फोर्स होंगे। एक फोर्स होगा हमारा एक फोर्स होगा यहां पर वर्टिकल, एक फोर्स होगा हमारा हॉरिजॉन्टल। अब इनका जो रिजल्टेंट बनेगा दोनों फोर्स का, वो हमेशा इस कर्वेचर के सेंटर से पास होता है। इनका जो रिजल्टेंट बनता है, वो इस कर्वेचर का जो सेंटर है, इस सेंटर से पास होगा। ये कर्वेचर का सेंटर होगा, ये कर्वेचर कोई सर्कुलर, हाफ सर्कुलर का हाफ सेक्शन होगा, तो कर्वेचर के सेंटर से पास होता है। ये हमारा कर्वेचर है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो हमेशा कर्वेचर के सेंटर से पास होता है। तो ये हमारा सपोज कर्वेचर है। अब दिस कर्वेचर इज सम सब सर्टेनली द पार्ट ऑफ सम सर्कल, और रिजल्टेंट फोर्स ऑलवेज पास थ्रू द, यहां से रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा, तो ये आपका रिजल्टेंट फोर्स होगा। और वर्टिकल फोर्स क्या होगा? दिस विल बी योर वर्टिकल फोर्स, एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स अबाउट दिस विल बी योर हॉरिजॉन्टल। ओके, सो इट विल ऑलवेज पास थ्रू द सेंट्रोइड। मुकुंद, बात समझ में आ रही है या सुनो? बात बताओ यार। तो अब हम इस पे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये ऑलवेज पास थ्रू द सेंट्रोइड, तो इसको मान लीजिए थीटा एंगल बोल दिए इसको, ठीक है? तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, यहां पर टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा एफ वी अपॉन एफ एच।
टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा एफ ई वर्टिकल फोर्स अपॉन हॉरिजॉन्टल फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू टेन थीटा, दैट विल बी इक्वल टू टेन थीटा। ओके दिस विल बी इक्वल टू योर टेन थीटा, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, वो क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन है देखिए यहां पर, तो क्वेश्चन वन फॉर दिस सेक्शन इज फाइंड द हॉरिजॉन्टल सॉरी क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन है आपका द टैंक इन फिगर फिगर इज 3 मीटर वाइड, 3 मीटर वाइड, कैलकुलेट द हाइड्रोस्टेटिक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन 1/4 ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड इसका डायग्राम मैं आपको बना रहा हूं, कुल मिला के डायग्राम कुछ ऐसा है। कुल मिला के डायग्राम आपका कुछ ऐसा है, तो ये जो आपका 1/4 ऑफ अ सर्कल है, ये जो आपका कर्वेचर आपको दे रखा है, ये ए बी कर्वेचर, ठीक है, 1/4 ऑफ अ सर्कल है, तो इसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा आपका 5 मीटर। यहां पर डायग्राम आपको दे रखा है, और इसका जो टॉप से हाइट है दैट हाइट इज गिवन एज 4 मीटर। ठीक है, तो आपको क्या पता करना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंड रिजल्टेंट फोर्स पता करना है। विड्थ आपको दे दिया, बी जो इसका है वो आपको दे देगा 3 मीटर। इस क्वेश्चन के लिए फटाफट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंड रिजल्टेंट फोर्स पता करो, आंसर में लिखो कमेंट बॉक्स में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंड रिजल्टेंट फोर्स पता करो फटाफट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायग्राम बन गया तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंड रिजल्टेंट फोर्स पता करो फटाफट। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और रिजल्टेंट फोर्स इस क्वेश्चन के लिए पता करिए। चलिए बताइए फटाफट, बताओ मेरे को आंसर बताओ। फास्ट आई नीड आंसर, फास्ट 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 फास्ट, खुद आंसर चाहिए तुमसे भी मुझे। अरे इतना टाइम कैसे लग गया, यस अरे इतना टाइम कैसे लग गया, वन फोर सेवन वन फाइव एफ एच आ रहा है आपका, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड एक्सीलेंट, 1/4 नहीं गलत आ रहा है, एफ एच गलत आ रहा है, निखिल एफ एल गलत आ रहा है,
एफएच गलत आ रहा है आपका, करेक्ट द आंसर। रिकेश तुम्हारा कितना आ रहा है, एफएच गलत आ रहा है आपका, करेक्ट द आंसर। चलिए मुकुंद का नहीं आ रहा क्या अभी? तो देखिए सबसे पहली बात तो आप यहां पर इसको क्या करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप 15408 ये क्या आ रहा है तुम्हारा, एफ एच भी गलत आ रहा है, दोनों रॉन्ग है, दोनों गलत निकाल रहे हो। देखिए यहां पर क्या करना है, अब आप दोनों गलत निकाल रहे हो, आपको सबसे पहले इसका एक सरफेस कंपोनेंट लेना। तो देखिए यहां पर फिर कितना है, 3 मीटर। तो एफ एच का जो एक्सप्रेशन बनेगा, एक्सप्रेशन डब्ल्यू ए एक्स बार वाटर के लिए स्मॉल डब्ल्यू कितना होगा, 9810, और ये जो सरफेस है इसका एरिया कितना होगा, 3 मीटर विड्थ होगा, और हाइट कितना होगा इसका, 5 मीटर ना यार, क्योंकि अगर ये 1/4 ऑफ अ सर्कल है तो 1/4 ऑफ अ सर्कल क्या होता है, देखिए 1/4 सर्कल का ये भी रेडियस होता है, ये भी रेडियस होता है, रेडियस अगर 5 है इसका तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, इसका जो हाइट होगा वो कितना हो जाएगा, 5 मीटर। यहां पर एरिया कितना होगा, 3/5। अब रही एक्स बार की, तो इसका सेंट्रोइड कहाँ होगा, यहां पर 2.5 पर, तो टॉप से कितना हो गया, 4 + 2.5, फ्री सरफेस से डिस्टेंस लेते हैं एक्स बार कितना हो जाएगा यहां पर, 6.5। एफ एच इक्वल टू आ जाएगा 9810 इंटू 3 × 5 इंटू 6.5। अंडरस्टैंड? तो एफ एच इसको मल्टीप्लाई कर दो 9810 इंटू 3 × 5 इंटू 6.5, तो आंसर यहां पर आएगा 956475। एफ एच आ रहा है आपका 956.475 किलो न्यूटन। कहां गलती कर रहे हो, कहां गलती कर रहे हो, ओके कहां गलती कर रहे हो, तो दिस विल बी योर एफ एच। अब अगर हमें एफ वी निकालना है तो इस कर्वेचर के ऊपर जितना भी मास ऑफ फ्लूड भरा हुआ, उस मास ऑफ फ्लूड का वेट हमें निकालना है। कर्वेचर कुछ इस तरह से है एंड इट इज 1/4 ऑफ अ सर्कल, तो ये एक सर्कल का 1/4 हिस्सा है, तो कुछ फ्लूड यहां भरा हुआ है, कुछ फ्लूड यहां भरा हुआ है। ये हाइट यहां से कितना है, 4 मीटर आपको दे रखा है, और ये कितना है आपका, 5 मीटर। तो माय डियर फ्रेंड ये वाला रेडियस भी कितना होगा आपका, 5 मीटर ना, 1/5, तो ये हो जाएगा 5 मीटर। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये भी 5 मीटर है आपका, ये 5 मीटर होगा। विड्थ कितना दे रखा है आपको, 3 मीटर दे रखा है। तो माय डियर फ्रेंड जो वर्टिकल फोर्स होगा उसमें इसका वेट निकालना है। तो वेट दो, इस पूरे सेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक तो एक बटा चौथा ये 1/4 है सर्कल का, और एक रेक्टेंगल है। तो एरिया क्या होगा यहाँ पर, एक बार होगा 1/4 πr² एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया विथ इनटू डेप्थ और इन विथ इनटू हाइट, और डेप्थ से इसको टोटल को मल्टीप्लाई कर दो। ये तो वॉल्यूम है, अब इस वॉल्यूम को अगर हम फ्लूड की डेंसिटी और जी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वॉल्यूम का वेट हो जाएगा। तो देखिए यहां पर 1/4 π कितना है, 3/4, आर कितना है, 5² विड्थ कितना है, 4 × 5, और इस पूरे को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। फ्लूड की डेंसिटी और जी कितना है, 9810। इसको सॉल्व करेंगे तो वर्टिकल फोर्स आ जाएगा मेरा 1166.428 किलो न्यूटन, दैट इज अवर वर्टिकल फोर्स। तो ये हमारा वर्टिकल फोर्स आ गया। अब जो रिजल्टेंट होता है वो होगा रूट ऑफ एफ वी का स्क्वायर, वर्टिकल फोर्स का स्क्वायर प्लस एफ एच का स्क्वायर। तो रिजल्टेंट फोर्स इज नाउ गोइंग टू बी, एफ वी कितना है, 1166.428 का स्क्वायर, और एफ एच कितना है वो हम लोग देख लिए अभी थोड़ी देर पहले, कितना आया, 956.475।
इसका रूट करेंगे इससे रिजल्टेंट फोर्स निकल आएगा और वो आएगा 1508.424 किलो न्यूटन। अंडरस्टैंड? अरे बात समझ में आ गई यहां तक? अरे बात समझ में आ रही है यहां तक या नहीं आ रही है? ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। चलो ये क्वेश्चन कर लेना, एक डैम दे रखा है और डैम का जो सरफेस है वो कर्वेचर है एंड इट इज अ 1/4 ऑफ अ सर्कल एंड हाइट ऑफ डैम इज 10 मीटर हाइट ऑफ डैम इज 10 मीटर एंड विड्थ ऑफ डैम इज 3 मीटर फाइंड हॉरिजॉन्टल फोर्स पता करो वर्टिकल फोर्स पता करो रिजल्टेंट का कोई दिक्कत नहीं रिजल्टेंट हमें पता है कैसे करनी है हॉरिजॉन्टल फोर्स पता करो रिजल्टेंट फोर्स एक डैम है जिस डैम की जो सरफेस है वो 1/4 ऑफ अ सर्कल है इस डैम के पीछे कुछ कॉन्क्रीट वगैरह भरा होगा वो मैं आपको डिजाइनिंग पूरा कर देता हूँ कुल मिला के इस तरह की कॉन्क्रीट वगैरह भरी होगी बट सरफेस जो है वो 1/4 ऑफ अ सर्कल है और ये डैम जो है 10 मीटर वाटर तक होल्ड कर रखा है इसने 10 मीटर वाटर तक इसने होल्ड कर रखा है तो इस डैम पर लगने वाले हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्स निकालो व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्स ऑन दिस डैम अभी इस तरह का एक क्वेश्चन कराया था मैंने टू 3 11.46 FH निखिल का आ रहा है FH आ रहा है 2 3 11.46 किलो न्यूटन विकेश आप भी बताओ फटाफट गलत हो गया क्या उसको डिलीट क्यों कर दिया गलत है फाइनल है ये 1471.5 किलो न्यूटन आ रहा है इसका ठीक है चलिए FH आ रहा तुम्हारा ये FH और रिकेश का FH आ रहा है 2046.96 तो रिकेश का मुझको दोबारा कितना आएगा 2046.96 ओके किलो न्यूटन ये बाकी स्टूडेंट फटाफट बताइए बाकी स्टूडेंट फटाफट बताइए आंसर क्या आ रहा है रिकेश ने भी गलत कर दिया चलिए ओके लेट्स डू दिस क्वेश्चन
माय डियर फ्रेंड, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप बनाओ प्रोजेक्टेड डायमेंशन। क्या बनेगा प्रोजेक्टेड डायमेंशन? अरे प्लेट होगा ना इसकी जगह। अगर कर्वेचर नहीं होता तो क्या होता? प्लेट होती। और अगर प्लेट होती तो कुछ इस तरह की दिख रही होती हमको। या अरे अब तो बता दो, इतना टाइम दे दिया यार। चलिए देखिए, समहाउ वो स्क्रीन मेरी ब्लैंक हो गई है। मैं इसको यही सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको। देखिए, वो जो क्वेश्चन था हमारा पिछले वाला, वाइट पे देख लेता हूँ। तो हमारा जो पिछले वाला क्वेश्चन था, उस पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे पास यही तो कहानी थी। ये आपको बोल रखा था जो डैम है उसकी सरफेस 1/4 ऑफ अ सर्कल है, ठीक है। और इस डैम में कितनी हाइट तक पानी भरा हुआ है? 10 मीटर तक। तो माय डियर फ्रेंड, कुल मिला के बात यह है कि ये जो 10 मीटर है वही इसका रेडियस हो जाएगा 10 मीटर। तो ये लेंथ भी आपका 10 मीटर है और आपको इसका विड्थ दे ही रखा था क्वेश्चन में। कितना दे रखा था? 3 मीटर दे रखा था। कुल मिला के यहाँ पर जो आपका वर्टिकल प्रोजेक्शन बन रहा है उसकी हाइट कितनी है? 10 मीटर। और आपको उसका विड्थ कितना दे रखा है? 3 मीटर। अब इस वर्टिकल प्रोजेक्शन से लगने वाला जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, दैट हॉरिजॉन्टल फोर्स विल बी इक्वल टू कितना आएगा? डब्ल्यू एक्स बार। अब फ्लूड वाटर है तो डब्ल्यू आपका 9810 होता है। एरिया कितना हो जाएगा इसका? 3 × 10। और इसका एक्स बार कहाँ आएगा? बीच में, सेंटर पे, दैट इज 5। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। यहाँ 9810 × 30 × 5 कर दो, आंसर आ रहा है तुम्हारा 1471.5। निखिल ने निकाल लिया था, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर। निखिल एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर। तो ये आपका 1471.5 आएगा। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि वर्टिकल फोर्स क्या लगेगा, तो इस कर्वेचर ने जितना फ्लूड को होल्ड किया हुआ है वही वर्टिकल फोर्स लगेगा। तो भैया, इस कर्वेचर में जो पानी आ रहा है उस पानी का वेट ही वर्टिकल फोर्स होगा। तो देखिए, वर्टिकल फोर्स होगा, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1/4 तो वह सर्कल है, तो सर्कल क्या होगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर इंटू इसके विड्थ से मल्टीप्लाई कर दो, इतना वॉल्यूम इसके अंदर आ गया गेट के अंदर। कहानी कुछ ऐसी है, ये तुम्हारा विड्थ है। और इसका अगर आपको फोर्स निकालना है तो इस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और जी से और मल्टीप्लाई कर दो। तो बेसिकली वर्टिकल फोर्स हो जाएगा 1/4 इंटू ये 3.14 होगा, और रेडियस कितना है? 10, 10 का स्क्वायर, विड्थ कितना है? 3, और डेंसिटी और ये कितना हो जाएगा? 9810। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर नहीं आ जाएगा ही, 1/4 × 3.14 × 100 × 3 × 9810। तो ये आंसर आ रहा है मेरा 2311 आया, ये आएगा 2310.255 kN। और ये रिकेश ने बिल्कुल सही निकाला। नहीं रिकेश, तुम्हारा आंसर रिजल्टेंट का है। ओके, और रिजल्टेंट फिर इन दोनों का निकाल लूंगा। रिजल्टेंट आपका आ जाएगा इसका रूट ऑफ 1471.5 स्क्वायर प्लस
2310.255 का स्क्वायर। ओके, तो इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, रिजल्टेंट निकाल लेंगे। सो रिजल्टेंट कुल मिला के यह आ जाएगा हमारे पास 1471.71.5 का स्क्वायर प्लस 2310.25 का स्क्वायर, और इसको ब्रेकेट क्लोज उसको कर दिए, ये 2739.08 किलो न्यूटन आ रहा है। तो दिस इज आंसर 2739 आ रहा है। या वेरी गुड, निखिल का एग्जैक्टली सही आंसर आ रहा है रिकेश। तो निखिल इज अ करेक्ट आंसर, निखिल का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। ओके, सो आज हम लोगों ने आज जो हमारा जो सेक्शन है तो आज हम लोग यहीं पर ऑफ कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, बिकॉज तो इसके थोड़ा सा और हाई लेवल वाले क्वेश्चन है ना, वो मैं कल थोड़ा नई एनर्जी के साथ पढ़ाना चाहता हूँ। क्लास जब हम लोग पहले क्लास में आए तो वो वाले सेक्शन में पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको ड्यूल कर्वेचर समझाऊंगा। जब ऐसे इस तरह का केस आता है इसमें बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं, इस कर्वेचर का कंसेप्ट को बहुत ही ज़्यादा जरूरी है समझना। तो आप कल क्लास में जल्दी आइए थोड़ा सा, ठीक है, और जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास का जो आधा घंटा होगा ना बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन चलने वाला है, क्योंकि मैं ड्यूल कर्वेचर वाले सरफेसेस पढ़ाऊंगा और उस पर बहुत अच्छी वैरायटी वाले क्वेश्चन मैं आपको कवर कराने वाला हूँ, ठीक है। तो कल आप क्लास में जल्दी आ जाइए। तो ओके, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट कीजिए। थैंक यू वेरी मच जो लोग एफर्ट डाल रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी और फेसबुक पे भी, निखिल रिकेश ये सब लोग एफर्ट डाल रहे हैं अपने, ठीक है, टू इंक्लूड द क्राउड ऑन द यूट्यूब ऑल्सो। तो प्लीज़ थैंक यू वेरी मच जिससे आप कर रहे हो, ओके, टू सपोर्ट दिस, ओके। एंड बाकी जितने भी लोग आ रहे हैं उन सबको अपना सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए चैनल। यहाँ पर हम लोग रेगुलर बेस पे क्लास कंप्लीट करा रहे हैं, उसके बाद अगर किसी को सब्सक्रिप्शन लेना है तो यू कैन रेफर द कोड पठान, ओके, एंड कमेंट ऑन द यूट्यूब एंड हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन, ओके। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, हैव अ स्वीट ड्रीम, ओके। और फिर हम कल इसी टाइम सेम टाइम सेम प्लेस पे मिलते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है, ओके, थैंक यू एंड वी कॉल ऑफ टूडे।